सूरतुल फतह आयत नंबर 29। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم। अल्लाह जलशानहु ने माकबल बयान फरमाया कि अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा हुआ है हिदायत के साथ और दीनी हक के साथ, ताकि वो उसको गालिब कर दे बकिया तमाम अदियान पर। तो एक तरफ अल्लाह जल्लशानुहु आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैसत कर चुके, आपको नबी आखिर जमान बनाया और आपकी नबूवत ता क़यामत आने वाले इंसानों के लिए, लेकिन कुफार मुशरिकीन मक्का का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इसी पर इख्तिलाफ था। वो आपको सादिक और अमीन मानने के तैयार थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नबी होने के लिए इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए बात पहले गुजर गई कि हुदैबिया के मौका पे जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके साथ सुलह किया और सुलहनामा जब लिखना चाहा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिब थे, लिखने वाले थे, और जब उन्होंने लिख लिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो काफिरों की तरफ से यही एतराज़ हो गया कि जी मसला तो यही है कि हम आपको रसूलुल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए इसको मिटा दे और मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख ले। तो बहरहाल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली ये मिटा दो। अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह के रसूल, मेरे अंदर इसको मिठाने के लिए हिम्मत ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसको मिटा चुके और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख चुके। तो चूंकि काफिर और मुशरिक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह की हैसियत से मानने के तैयार नहीं थे, अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र करके क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए इसमें सबक किया कि वाकई मोहम्मद मेरा पैगम्बर है, मैंने भेजा हुआ है, इसकी बैसत मेरी तरफ से है। अल्लाह खुद गोया है इस बात पे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरहक पैगंबर हैं, सच्चे रसूल हैं। तो एक तो अल्लाह जल्ल शान ने इन आयत मुबारका के अंदर माकबल ये वाक़या जो जिक्र किया जा रहा था, उस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर खुद गोया हो चुके हैं और अल्लाह जल्ल शान ने खुद तस्दीक कर दी अपने पैगम्बर की। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो भेजे गए थे अल्लाह के दीन को, दीनी इस्लाम को बकिया तमाम अदियान पर गालिब करने के लिए। तो चूंकि ये एक इनफरादी हैसियत से काम करना मुश्किल होता है, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना, उसके लिए पैगंबर के साथ जमात की ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह जल्ल शान ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरबियत में ऐसे लोग तैयार किए जिसको हुज़ूर के सहाबा कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा व आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता और उनकी ज़िंदगी को मेयार बना के रखा किया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे इरशाद फरमा जो के वैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए अल्लाह जल्ल शानहु ने उनकी ज़िंदगी के हवाले से बस यही बयान फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो तमाम के तमाम अल्लाह जल्ल शानहु उन सब से राज़ी हैं। इसी अल्लाह जल्ल शानहु उसके सहाबा की तारीफ बयान करते हैं साथ, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और वो लोग जो उसके साथ हैं यानी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हैं। क्या मतलब कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो रुफ़क़ा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस जिम्मेदारी के बुनियाद पर दुनिया के अंदर भेजे गए हैं अल्लाह के दीन को पूरे दुनिया के अंदर आम कर लेना, तो उस जिम्मेदारी में उसके साथ जो उसके दोस्त शरीक, उसके सहाबा शरीक, मुराद ये है
कि जैसे पैगंबर के साथ पैगंबर के सहाबा को काम के हवाले से शरीक किया गया, जिम्मेदारी के हवाले से शरीक किया गया, तो मिन हैसल उम्मत, इस उम्मत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो अल्लाह के दीन को पूरे दुनिया के अंदर आम करना है। और तरीका कौन सा होगा? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ने तरीका अपनाया, उन्होंने अल्लाह के दीन के वास्ते जिस तरह कुर्बानियां कर ली, ये क्यामत तक आने वाले ईमान वालों के लिए एक मेयार है। इससे हमारी सलाहियतें अल्लाह के दीन को जिंदा करने पर लग जाए। आज हमारे घर में मेहनत हो गई, अच्छे तरीके से आला दर्जे का सोफा सेट मौजूद है, बेड सेट मौजूद है, टी सेट मौजूद है, डिनर सेट मौजूद है, आज हमारे पास घर के अंदर दुनिया के एतबार से हर चीज मौजूद है मेहनत करने की वजह से, लेकिन हमारे घरों के अंदर से नमाजें निकल गई, हमारे घरों के अंदर से तिलावत की महफिल मजलिस खत्म हो गई, हमारे घरों के अंदर से जिक्र की मजलिस महफिल खत्म हो गई, हमारे घरों के अंदर से अच्छे अखलाक वो खत्म होते चले जा रहे हैं, हमारा माशरा, हमारा मोहल्ला, हमारी मार्केट वो दीन के एतबार से बर्बादी का शिकार हो रहे। क्यों? मुसलमान ने दीन की मेहनत को मेहनत ही नहीं समझा। जो मुसलमान होने की हैसियत से, उम्मती मुहम्मदिया होने की हैसियत से खुद भी दीन पर चलना और सारे इंसानों को दीन पर लाने की मेहनत कर लेना, ये मेहनत छोड़ चुका। अब जब उम्मत ये मेहनत छोड़ चुकी, उम्मत के अंदर दीन का हाल आज हम खुद देख रहे हैं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जिन लोगों को अल्लाह ने उसका साथ देने के लिए मुंतखब किया, जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जिम्मेदारी निभाने में शरीक रहे, उनकी सिफात को बयान के वो कुफार के बारे में बड़े सख्त है, रहमा व बैनहुम, और आपस में बड़े नरम दिल है, मेहरबान है। आज मेहनत ना होने की वजह से अल्लाह माफ करे, मुसलमान का मिजाज बिल्कुल उलट हो गया। काफिर के लिए नरम गोशा रखता है, लेकिन मुसलमान के लिए नरम गोशा नहीं रखता। तराहुम रुकअन सुज्जदा, सहाबा का मिजाज किस दर्जे एक दूसरे के लिए मेहरबान, या तो वो थे कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन जब दीनी इस्लाम आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आए, इस दर्जे कुर्बानी करने वाले बन गए कि आखिरी लम्हात दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और प्यासे हैं, और प्यासे को पानी की जरूरत है और पानी लाया जा रहा है, और जख्मी हालत में पड़ा हुआ और मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा है, और साथ वाले पड़े हुए हाजी जख्मी हालत में एक बंदा है, उसको प्यास लगी हुई, ये पानी इसके लाया गया है, लेकिन साथ वाला पानी का मुतालबा कर रहा है, आवाज लगा रहा है, तो ये कहते हैं मुझे छोड़ो, मेरे साथ वाले दोस्त को दे दो, और फिर उसके साथ वाले जख्मी पड़ा हुआ है, मतलब मुझे छोड़ दो, उसको दे दो, और वो पानी चलते चलते सात बंदों पे चक्कर लगा रहा है, लेकिन हर एक दूसरे के लिए कुर्बान हो रहा है। किस तरह का मिजाज? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेहमान तशरीफ लाते रहते थे। अब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वक्त सहाबा को ऐलान फरमाते हैं, भाई ये मेहमान अपने साथ कौन लेकर जाएगा। अब सहाबा अपने साथ मेहमान घर लेकर जाते, उनको खाना खिला देते थे। अब एक घर के अंदर इतना खाना है कि सिर्फ घर वालों के लिए काफी है, और मेहमान ले गए। अब मियाँ बीवी से कह रहा है कि मैं हुजूर के मेहमान को साथ लेकर आया हूँ, और खाना तो हमारे पास और कोई है नहीं, और आपने बस यूं करना है कि हमने बैठना है दस्तरखान पे, लेकिन आपने अपने जो चराग है उसको ठीक करने के वास्ते आपको हाथ लगाया, उसको बुझा दीजिए, फिर मेहमान खाना खाएगा और हम वैसे ही अपना मुंह चबाते रहेंगे। अच्छा, इतने दर्जे की कुर्बानी, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, खुद तंगी बर्दाश्त करके औरों को तरजीह देना। आज हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? हम कहते हैं मेरा पेट भर जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाए, दूसरा भूखा मर जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये सहाबा का मिजाज, आपस में दूसरे के लिए एक दूसरे के मेहरबान, हर दर्जे के मेहरबान। अच्छा, रहमा बैन तराहुम रुकअन सुज्जदा, आप देखेंगे उनको कि वो रुकू करने वाले, सजदा करने वाले। मुराद क्या है? आज अल्लाह माफ कर ले, इबादत से मकसूद किया था, इबादत से मकसूद तो ये कि बंदा हद दर्जे अपनी आजिजी का इजहार कर ले। लेकिन हमारा मिजाज क्या है? हम नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हम
आजिज बनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मन मानी, मैं कुछ हूं, हाँ मैं किसी के सामने अपना सर झुका लूं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तराहुम रुकअन सुज्जदन, आप देखेंगे उनको कि वो रुकू करने वाले, यानी अल्लाह के डर की वजह से झुकने वाले और फिर सजदे की हालत में जाने वाले, हर दर्जे अपनी जिल्लत का मुजाहरा करने वाले, अपने आप को आजिज और मुनकसर बनाने वाले, आजिजी का इजहार करने वाले। ये सहाबा का मिजाज यही था। यबतगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, जो तलाश करते रहते हैं अल्लाह के फजल को और अल्लाह की रजा को। इसे हज़रत शाहवली ला रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फजल से मुराद किया है कि दुनियावी जिंदगी को बसर करने के लिए मेहनत करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उसके लिए जिस तरह मस्जिद को आबाद रखते हैं, अपनी जमीनों को भी आबाद करने के लिए जमींदारी करते हैं, मार्केट को आबाद करने के लिए मार्केट में मामलात भी चलाते रहते हैं, लेकिन उस तरह जैसे अल्लाह उसके रसूल ने बयान फरमाया। हमारा मिजाज क्या है, मस्जिद में आ गए तो नमाजें तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन मस्जिद से बाहर गए, दुकान पर बैठ गए, फिर हम जिस पर जितनी चुरी पैर सकते हैं और जिसको जिस दर्जे नुकसान पहुंचा सकते हैं, बस ठीक है, कोई मसला नहीं, मुझे पैसा मिल जाए, कारोबार के लिए बैठे हुए, हलाल हराम की तमीज नहीं है, ये सूद है, ये रिश्वत है, ये धोखा है, इससे अपने आप को बचा के रखो, ये मिजाज नहीं है। तो वो अपनी दुनियावी जिंदगी को अच्छे तरीके से बसर करने के लिए भी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन मेहनत वो जो अल्लाह उसके रसूल कहते हैं बस। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मतलब आपके हाथों बेयत कर चुके, और किस बात पर बेयत कर चुके कि मैं मुसलमानों के साथ खैरखाई का मामला करूंगा। तो एक दिन वो कोई बंदा था, अपना घोड़ा बेच रहा था, और इसने देखा, इसने कहा जी आप बेचना चाहते, जी हाँ बेचना चाहते, कितने की बेचना, जी इतने की बेचना चाहता हूँ, अच्छा मिसाल के तौर पर 300 का बेचना चाहता हूँ। उसने जवाब में कहा भाई ठीक है, मैं आपसे ये घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, लेकिन बात यह है आपका घोड़ा 300 का नहीं 400 का है। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। उसने कहा जी अच्छा मैं देना चाहता हूँ पैसे, लेकिन ये आपका घोड़ा 400 का नहीं 500 का है। बात चलते चलते 800 तक पहुंचा दी, वो जो 300 में बेच रहा था बात 800 तक पहुंचा दी, और उसको 800 दे के और घोड़ा खरीद चुका। किसी ने कहा ओए तू पागल है, वो बेच रहा था अपनी तरफ से बेच रहा था 300 का, और तूने उसकी कीमत को बढ़ा के 800 दे दिए। उसने कहा भाई बात यह है, उसका घोड़ा था 800 का, वो मजबूर था और अपनी मजबूरी की वजह से वो 300 का बेच रहा था, तो वो तो अपनी जरूरत के वास्ते बेच रहा था, लेकिन मैं हुजूर के हाथों बेयत कर चुका कि मैं मुसलमानों के साथ खैरखाई करूंगा, मुसलमान के साथ कोई बदखाई नहीं करूंगा, और इसकी खैरखाई यही थी कि मैं इसको इसके घोड़े का पूरे की पूरी कीमत अदा कर लेता। अब हमारा मिजाज क्या, हमारा कारोबार आज यही बन चुका है कि कोई मजबूर बंदा आकर के भाई ये प्लाट बेचना चाहता हूं, बस हम उससे फौरी तौर पर, कोई मजबूर आ जाए कि ये गाड़ी बेचना चाहता हूं कम पैसों में, हम उसके लिए बैठे हुए मार्केट के अंदर, हम कहते हैं ये चांस है, ये मौका है, इसको जाया ना करो। बारा तो ये सहाबा का मिजाज, वो मस्जिद में और मार्केट में दोनों जगह अल्लाह को सामने रखकर जिंदगी गुजारते रहते थे। इसी अल्लाह जलशान ने सहाबा की जिंदगी का मिजाज बयान करके कुरान पाक ने बयान फरमाया कि उनको दुनिया की चीजें खरीदो फिरोख अल्लाह से धोखे में नहीं डाल देती। आज हमारा मिजाज क्या है, बाजार में एक मरतबा बैठ गए तो चार आजाने सुनते हैं, लेकिन मस्जिद के करीब मस्जिद तक आने के लिए तैयार नहीं है, क्यों जी मेरा घाक जाया हो जाए, मेरा कारोबार खराब हो जाए, मेरे आमदनी में कमी आ जाए। सहाबा का मिजाज वो दोनों तरफ एतदाल के साथ है। अल्लाह माफ कर, बाद औकात तो मस्जिद के बन जाते तो फिर बाजार की तरफ देखते भी नहीं है, बाद औकात फिर हमारा मिजाज क्या बन जाता है, ये कोई मामूली जेब को हाथ लगाए पे मैं समझता हूँ कि बस मुझे कुछ सदका दे रहा है, मुझे कोई जकात दे रहा है, फिर हम दूसरों के मांगने वाले बन जाते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाले बन जाते हैं, और जो मार्केट में चला जाता है तो वो मस्जिद की तरफ नहीं देख पा रहा। इसलिए एतदाल का मिजाज कायम करना चाहिए, दोनों तरफ ख्याल रखना चाहिए। और रिज़वाना फरमाते हैं इससे मुराद अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह जल्ल शानहु ने जो आमाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताफ़रमा दिए
उन आमाल को अच्छे तरीके से अदा करना, चाहे वो नमाज है, चाहे वो रोजा है, वो जकात और वो हज है, उन तमाम आमाल को बजा लाना जिसके जिनके जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, और उनके चेहरों में सजदों के आसार और निशानियां मुकम्मल तौर पर निमाया होती हैं। और सहाबा का मिजाज, अब बाद लोग इस आयत को सामने रखकर कोशिश करते कि मैं सजदे में अपने पेशानी को रगड़ दूं ताकि उस पर एक निशान बन जाए कि वाकई ये नमाजी बंदा है। हमारे माशरे का मिजाज ये है, लोग कोशिश ये करते हैं दूसरा कह दे कि ये नमाजी है, हालांकि सबसे बड़ा मुनाफिक और सबसे बड़ा गुमराह ये इंसान होता है जो अल्लाह के वास्ते नहीं बल्कि दुनिया के इंसानों को दिखाने के वास्ते अपनी पेशानी रगड़ता रहता है। इसे मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद ये नहीं कि खामखा एक निशानी बन जाए आपकी पेशानी पर, मुराद ये है कि इनके चेहरों पर इस तरह एक नूर जाहिर हो जाता है, एक कैफियत बन जाती है कि जिससे उनकी आजीजी जाहिर होती रहती है। सजदा करने से मकसूद आजीजी होती है कि बंदा किसी के सामने बैठा रहे, खड़ा रहे, उसको पता चले कि वाकई ये बहुत बड़ा आजीज इंसान है। लेकिन हम तो आजीजी अपनाते नहीं, तकब्बुर से नीचे हटने नहीं है और पेशानी रगड़ रगड़ के अपने आप को तकाते रहते हैं। ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, अल्लाह फरमाते हैं यही मेरे पैगंबर के औसाफ, पैगंबर के सहाबा के औसाफ है जो कि अल्लाह ने तौरात में भी बयान किए हैं, अल्लाह ने यही औसाफ इंजील में भी बयान किए हुए हैं। इसलिए वो सहाबा जिनका तस्कर अल्लाह ने तौरात में किया, इंजील में किया, कुरान में किया, आज माशरे के अंदर उन्हीं सहाबा के हवाले से जबान दराजी की जाती रहती है, लाइलमी की वजह से हो, जहालत की वजह से हो। इसलिए फरमाया हज़रत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने जो सहाबा के बारे में अपनी जबान को दराज कर लेता है वो काफिर बन जाता है। इसलिए जब उनका तस्करा, उनकी फजीलत, जब अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू, इसे यहां पर ये जो उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों के बारे में, वल्लज़ीन माहू जो पैगंबर के साथ रहते हैं हर आन हर घड़ी, हिजरत के मौका पे आपने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से नबूवत का दावा कर चुके हैं, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक साथ है, फरमाया इससे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मुराद है। अशिद्दाउ अलल कुफार काफिरों के बारे में बड़ा सख्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद है, और रुहमाउ बैनहुम इस उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मुराद है, और तराहुम रुकअन सुज्जद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो हद दर्जे रातों को अल्लाह के सामने खड़े होने वाले थे। सहाबा फरमाते हैं हमने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे बढ़कर इबादत गुजार पाया। इस सहाबा का अपना मिजाज है, इसे अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु अफजल है और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अकरब है, सबसे ज्यादा करीब हुजूर के हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज हमारे माशरे के अंदर हम चीजों को समझ नहीं पर उलमा की महफिल में बैठते नहीं, मजलिस में बैठे और दाएं बाएं मोबाइल में बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं। कज़रअन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तगलज़ा, अल्लाह पैगंबर के सहाबा के मिजाज को बयान फरमाकर, उनके सिफात को बयान फरमाकर मिसाल के साथ समझाना चाहते हैं कि ऐसा है जैसा कि गोया की एक खेती होती है और वो अपनी सुई निकाल देती है तो उसकी सुई कमजोर रहती है, फआज़रहु पस वो अपनी सुई को कवी और मजबूत बना लेती है, उसके बाद फस्तगलज़ा वो मोटी हो जाती है, फस्तवा आला सुके फिर वो अपने तने के बल कायम हो जाती है। जैसे आप देखते रहते हैं कि जब जमींदार किसान वो बीज डाल देता है और एक पौधा निकल जाता है वो बिल्कुल बारीक और कमजोर सा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो मजबूत बन के और वो मोटा बन के सीधा खड़ा हो जाता है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल की बेइज्जत हो गई, अल्लाह के रसूल के साथ सहाबा इंतहाई कमजोर थे, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने उनको मजबूत कर दिया और अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता उनकी जमात को बड़ा कर दिया, और जमात को बड़ा करने के बाद अल्लाह जल्ल शानहु ने उनको अपने पांव के बल खड़ा कर दिया और आप दुनिया ने देख लिया और तारीख भरी पड़ी हुई है कि उस जैसी जमात दुनिया ने आसमान और जमीन ने भी कभी इस तरह जमात नहीं देखी। युअज्जिबुज़्ज़रा कि किसान उस खेती को देखकर बड़ा खुश होता है, उसको खुश करने वाले तो अल्लाह जल्ल शानहु को भी खुश करने वाले पैगंबर के सहाबा, पैगंबर के सहाबा।
इसे फरमाया लियगीज बिहुमुल कुफार, अल्लाह ने पैगंबर के सहाबा को कुव्वत और ताकत और अजमतों से नवाजा ताकि इन काफिरों को गुस्सा दिला दे। यहां से उलमा फरमाते हैं जो पैगंबर के सहाबा पे खुश नहीं होता और उन पे नाराजगी और उन पर तान और तशनी कर लेता है, उन लोगों के बारे में यही हुक्म है कि जिस तरह काफिरों के बारे में हुक्म है, क्योंकि पैगंबर के सहाबा को काफिर बर्दाश्त नहीं करते रहते थे कि ये क्यों फैलते रहते हैं, ये क्यों बढ़ते रहते हैं, इनको शान व शौकत अजमतें क्यों दी जाती हैं, उनको ये फतूहात से क्यों नवाजा जाता है। ये काफिर लोग गुस्सा लियगीज़ बिहुमुल कुफार, अल्लाह चाहते हैं ताकि इसके जरिए गुस्सा दिला दे काफिरों को। वअदल्लाहु अल्लज़ीन आमनु व अमिलुस सालिहात, अल्लाह जल्ल शान ने वादा कर रखा है उन लोगों के साथ जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात और नेक अमल कर चुके, मिनहुम इन्हीं में से, मग़फ़िरतन अल्लाह जल्ल शान ने बख्शिश का वादा कर रखा है, व अजरन अज़ीमा और बहुत बड़े अजर का, यानी एक तो पैगंबर के सहाबा अल्लाह ने उनके लिए भी बख्शिश और बख्शिश का ऐलान उनके लिए हो किया है, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, इसे हुजूर ने फरमाया मेरे पैगंबर के सहाबा सब के सब आदिल है और मेरे पैगंबर के सहाबा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि असहाबिक नजूम, मेरे सहाबा तारों के मानिंद हैं, कभी ऐ मुक्तदे तुम इहतदे तुम, जिसके भी इक्तदा करोगे तो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। इसे हुजूर ने फरमाया तुम में से एक बंदा ओहद पहाड़ के बराबर सदका कर दे और मेरे पैगंबर मेरे सहाबा में से कोई बंदा एक मामूली सी एक मुट्ठी बराबर भी जो अल्लाह के रास्ते में खैरात कर ले तो तुम्हारे ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने से ये बहुत ज्यादा बेहतर है, तुम उन तक नहीं पहुंच सकते हो। तो एक वो लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने कायदा बयान फरमाया क्यामत तक आने वाले ईमान वाले जैसे सहाबा ने उस माशरे के अंदर जहां पर कलमा का इजहार करना मुश्किल था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करना, वो अपने ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के और अपने ऊपर ढालने के मुतरादिफ हुआ करता था, लोग उसको बांधते रहते थे, घसीटते रहते थे। एक ऐसे माशरे को अल्लाह जल्ल शानो ने ऐसी तरक्की से नवाजा कि जमात दर जमात, ग्रोह दर ग्रोह, मुल्कों के मुल्क अल्लाह पाक उनके कदम मिला के रख चुके। तो बाद में भी अगर ईमान वाले दुनिया के अंदर तरक्की चाहते हैं उसके लिए मेयार ईमान और अमल साले होगा। ईमान अमल, आज मुसलमान ईमान को बेटा अमल को बेटा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जलील बन गया, दुनिया वाले उसके साथ खेलते रहते हैं और गुलामी की जंजीरों में झकड़े गए हैं, जैसे वो कहेंगे ऐसे ये जिंदगी गुजारेंगे। आज हम सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसलिए सबसे बड़ी जरूरत आज की वो अपने ईमान और आमल सालिहा पर और इंफिरादी हैसियत से एक एक घर में, एक एक फर्द पर, एक एक मार्केट में, एक एक फर्द पर मेहनत की जरूरत है। इससे अल्लाह पाक इंकलाब लाएंगे इंशाअल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। والذين معه أشداء على الكفار, और जो लोग उसके साथ हैं वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं। رحماء بينهم, आपस में बड़े नरम दिल है, मेहरबान है। تراهم, आप देखेंगे उनको, रुकअन सुजद, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, يبتغون فضلا من الله ورضوانا, तलाश करते हैं अल्लाह जल्ल शानहु की तरफ से फजल और मेहरबानी को, वरिज़वान और उसकी रजा को। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथर सुजूद, उनकी निशानियां उनके चेहरों में उनके सजदों की वजह से नुमाया है। ذلك مثلهم في التوراة, यही उनके औसाफ है तौरात में। ومثلهم في الإنجيل, और उनके औसाफ हैं इंजील में। कज़रइन, उस खेती की तरह, अखरज शतअहु, जिसने अपनी सुई निकाली हो, फआज़रहु, पर उसको कवि बना दी, फस्तगलज़ा, फिर वो मोटी हो गई, फस्तवा अला सूकिही, पस वो अपने तने पर कायम हुई, युजिबु ज़र्रा, जो किसानों को खुश कर देती है, लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, ताकि गुस्सा दिला दे इनके जरिए से काफिरों को। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति मिनहुम, अल्लाह ने वादा कर रखा है इनमें से उन लोगों के साथ जो ईमान ले आए और नेक अमल कर चुके, मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, बख्शिश का और बहुत बड़े अजर का।
صدق اللہ.